नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मछली पालन अपने में एक खास तरह का बिजनेस है जिसमें ज्यादा झंझट भी नहीं होती है और मछली पालक लाखों लाख की कमाई भी करते हैं। ग्रामीण इलाके में पट्टे पर जमीन या तालाब को लेकर मछली पालन करने का व्यवसाय काफी प्रचलित है। सरकार भी चाहती है कि मछली पालन को देश में बढ़ावा दिया जाए जिससे किसान खेती बाड़ी के अलावे भी इस क्षेत्र में रोजगार खड़ा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ब्लू रेवोल्यूशन के तहत स्कीम चलाते हुए मछुआरों को कई लाभ भी दे रही है और मछली पालन व्यवसाय से जुड़ने के इच्छुक लोगों को सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए की एक योजना चलाई गई है जिसका नाम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना का खास उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को जोड़कर साल 2022 तक किसानों के आय को दोगुना किया जाए और मछली पालन के व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। स्कीम के तहत सरकार फिशरीज से जुड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए अनुदान देती है। खास बात तो यह है कि इस सब्सिडी को पाने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन भी मांगे जा रहे हैं, इसलिए मछली पालन करने को इच्छुक लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे आवेदन करके इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आपको विस्तार से आवेदन करने की प्रक्रिया को बताते हैं। भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लक्ष्य के आधार पर आवेदन मांगे गए हैं। सरकारी लक्ष्य के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के स्वीकृति प्राप्त आवेदनों में से जो लक्ष्य बचे हुए हैं और उसके द्वितीय चरण में स्वीकृत लक्ष्य के अनुरूप आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार को भेजी गई कार्य योजना के अनुरूप इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं। इसमें मुख्य रूप से मत्स्य बीज हैचरी को खोलने, रियरिंग तालाब या नए तालाब का निर्माण, बायोप्लाक तालाब एवं टैंक का निर्माण, अलंकारी मछली संवर्धन इकाई RAS टैंक का अधिष्ठापन, जलाशय या आर्द्र भूमि में केज की स्थापना करने, आइस प्लांट या कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, मछली व्यवसाय के लिए वाहन खरीदने, फीड मिल का निर्माण करने, फिश कियोस्क का निर्माण, मत्स्य विक्रय केंद्र का निर्माण आदि के लिए सब्सिडी मिलते हैं। आपको बताते चले कि योजना के लिए इच्छुक लाभार्थी की सूची भी बताई गई है, यानी कि इस स्कीम के लिए मछुआरे, मत्स्य किसान, मत्स्य श्रमिक और मत्स्य विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, फिशरीज के क्षेत्र में लगे स्वयं सहायता समूह, मत्स्य पालन सहकारिता, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मत्स्य किसान उत्पादन संगठन भी इस योजना का लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन भरने के बाद, आवेदन स्वीकृत होने के बाद मत्स्य पालन से जुड़े तमाम कारोबार के लिए शुरुआत में लगने वाले पैसे का 40% सब्सिडी राशि सरकार की तरफ से मिलती है। हालांकि SC/ST वर्ग के लोगों और महिला और दिव्यांग आवेदकों को सब्सिडी के रूप में 60% तक के पैसे माफ हो जाते हैं जो कि इकाई की स्थापना के बाद मिलते हैं। बिहार में केंद्र की इस योजना का लाभ पहुंचाने का काम बिहार सरकार का है, इसलिए बिहार सरकार की तरफ से नोटिस जारी करके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए fisheries.ahdbihar.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2021 है, इसलिए इच्छुक आवेदक इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आपको बता दें कि व्यक्तिगत तौर पर आवेदन करने के लिए कुछ कागजात भी लगते हैं, जैसे कि आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, शपथ पत्र, बैंक पासबुक या चेक की फोटो कॉपी, SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टा की भूमि होने पर निबंधित लीज की प्रति, DPR या SCP, परंपरागत मछुआरों संबंधी अवयवों हेतु कागजात आदि लगेंगे। ये सभी आपको fisheries.ahdbihar.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद और आवेदन भरने के समय काम आएंगे। ऐसे में आपको बताते चले कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2021 है, तो आप अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी से मिलकर भी इस योजना में आवेदन करने से जुड़ी बातों को जान सकते हैं और मछली पालन की शुरुआत करके लाखों लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।